बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं माय स्वीट व्यूअर्स? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुशवाश होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। चलें तो आज मैं आपको यम्मी जिंगर बर्गर की रेसिपी बताती हूँ, जो आप अपने घर में इजीली बना सकते हैं। और ये देखिए, मैंने थिन ब्रेस्ट पीसीज मैंने ले लिए हैं चिकन के, और उसको मैं मैरिनेट करूँगी। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून क्रश रेड चिली डाली है और 2 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाली है। अब मैं इसमें 1/2 लेमन डालूँगी। 1/2 लेमन के बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें मैं अब 2 टीस्पून चिली सॉस के डालूँगी। चिली सॉस आप चाहें तो इसको, अगर ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसमें ग्रीन चिली का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 2 टीस्पून के बाद मैं इसमें 4 टेबल स्पून ऑफ वॉर्सिस्टरशायर सॉस डाल सकती हूँ। और आप चाहें तो आप इसमें मस्टर्ड पेस्ट भी डाल सकते हैं। आप मतलब आप अपनी मर्ज़ी से जो मैरिनेशन करना चाहें आप डाल सकते हैं। मेरे पास उस टाइम मस्टर्ड सॉस नहीं थी, तो मैंने वॉर्सिस्टरशायर डाल दी है। अब मैं इसमें 4 टेबल स्पून भर के वॉर्सिस्टरशायर सॉस के डालूंगी। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह मैरिनेट करूँगी, मिक्स करूँगी मैं, और इसको मैं 1 आवर के लिए मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। और मैरिनेशन के बाद मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग में मुझे ये मैंने 1 कप जो है मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर का, और कॉर्नफ्लोर के बाद 1/4 कप मैं इसमें राइस फ्लोर डालूंगी। राइस फ्लोर के बाद 1/4 कप ही मैं इसमें मैदा डालूंगी, और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद इसमें अब हम स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली डाली है। रेड चिली के बाद 1 टीस्पून ही इसमें मैं गार्लिक पाउडर डालूंगी, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अभी हम इसके एक और स्टेप है, ये ड्राई स्टेप था, और अभी मैं इसको एक और स्टेप दिखाती हूँ आपको, एग वाला स्टेप। इसमें हमने जस्ट जो है हमने इसमें योक्स नहीं डालेंगे, जस्ट एग वाइट्स डालेंगे, क्योंकि फिर इस तरह इसकी कोटिंग में स्मेल नहीं आती एग की। हमने 3 एग्स की वाइट ले ली है, और इसको मैं बीट करूँगी अच्छी तरह। बीट करने के बाद मैं इसमें 2 या 3 टेबल स्पून ऑफ मिल्क भी डालूंगी। इस कोटिंग के साथ आप यकीन मानिए बहुत अच्छे जिंगर बर्गर का KFC की तरह का टेस्ट आता है, जैसे KFC का टेस्ट होता है। तो आप इस तरह की कोटिंग इसकी बहुत अच्छी बनती है। ये मैंने रेसिपी अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर की, अपनी फैमिली को बनाकर इंजॉय करवाया है। तो आप देखेंगे मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसमें दूध डालूंगी। दूध डालने के बाद मैं इसको फिर चिकन को मैरिनेशन के लिए भी मैं मैरिनेशन के लिए जो रखा हुआ था उसको मैं स्टार्ट कर दूंगी कोटिंग के लिए। और उसके बाद कोटिंग करने के बाद ये देखिए मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है कोटिंग करना है। चिकन के पहले मैंने पीस लिया है, उसको मैंने एग वाले बैटर में डाला है। अब मैं इसको कॉर्नफ्लोर वाले और मैदे के बैटर में डालूंगी। मैं इसको 2 टाइम्स इसको करूंगी। फिर मैंने इसको डाला है एग के बैटर में, और फिर मैंने इसमें मैदे वाले में डालूंगी, और इस तरह फिर मैं रखती जाऊंगी 1 बाय 1। उसके बाद फिर मैं इसको लाइट लो फ्लेम पर मैं इसको फ्राई करूंगी। और फ्राई करने के बाद ये देखिए इस तरह की शेप आ जाती है, और शेप करने के इसके फ्राई करने के बाद मैं इसको जिंगर बर्गर में रखूँगी, और इसको अपने बच्चों को बना कर दूँगी जिंगर बर्गर यम्मी से, और इसको फिर हम जिंगर बर्गर को इंजॉय कर सकते हैं। ये देखें मैंने इसको बनाकर